हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। ये देखिए, मधुमालती का फूल कितना प्यारा खिल रहा है अभी, और बहुत सारे इस पे बर्ड्स लगे हुए हैं। अभी थोड़े दिनों में बहुत सारे खिलेंगे, और इस पे एक लॉट पूरा फूल खिला था, सबको मैंने प्रून कर दिया है। अब फिर से नए नए फूल इसमें आ रहे हैं, तो आज मेरे पास जो फूल खिले हैं उसी के बारे में बात करेंगे। ये देखिए, मैक्सिकन पिटूनिया है, कितने प्यारे फूल खिले हुए हैं इस पे। फ्लावर है, ये भी बहुत ही शानदार खिलता है। इसके भी फ्लावर सुबह खिलते हैं और दोपहर तक मुरझा जाते हैं। बहुत ही अच्छा इसमें खुशबू भी होता है। तो इस तरह का फ्लावर है, इसमें बहुत सारे बर्ड्स भी हैं। और ये भी ग्राउंड में लगा हुआ है, ऊपर पूरी तरह से ये कवर कर लिया। ये देखिए, इसमें और भी कुछ ये वेजिटेबल्स भी हैं साथ साथ में। ये पर्पल हार्ट का पौधा है, इसे भी देखिए, प्यारे फूल खिले हुए हैं एकदम अच्छे। ये देखिए, ये पौधा बढ़ता है तो बहुत सारा लेगी हो जाता है एकदम, तो इसको हमेशा प्रून करते रहना चाहिए। यू फोर भी मिली है, देखिए इसमें बहुत सारे फूल खिले हुए हैं, और इसके फूल बहुत अधिक दिनों तक टिकते हैं। ये 20 से 25 दिनों तक फूल इस पे लगे रहेंगे, उसके बाद धीरे धीरे प्लेंट होंगे। और सुबह सुबह का समय है तो देखिए, रात की रानी भी अभी खिला हुआ है, थोड़ी देर में बंद हो जाएगा फूल। और इसकी खुशबू बहुत ही लाजवाब होती है, रात में बहुत अच्छा खुशबू करता है ये येलो एल्डर है, इसको सेज रोज भी बोलते हैं। देखिए, बहुत सारे खिले हुए हैं फूल इस पे। देखिए, और ये चांदनी है, चमेली भी बोलते हैं इसको। ये देखिए, बहुत सारे फूल इस पे खिले हुए हैं, और बर्ड्स भी बहुत सारे हैं इस पे। ये मिनी चांदनी है, देखिए खूब सारे फूल इस पे खिले हैं। और ये मधुमालती है, इस पर अब ये फूल कुछ खिले हुए हैं, और बहुत सारे फूल अभी 10 से 15 दिनों में खिल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बर्ड्स लगे हुए हैं इस पर। ये देखिए, बहुत सारे बर्ड्स लगे हुए हैं, ये देखिए, तो ये सारे फूल 10 दिनों में पूरी तरह से खिल जाएंगे। ये देखिए, मिनी एक जरा कितना बढ़िया एकदम फूल खिला हुआ है इस पर, और बहुत सारे इस पर कलियाँ भी लगी हुई हैं, सब खिलेंगे अभी थोड़े दिनों में। बहुत ही प्यारा दिखेगा ये, और देखिए कितना प्यारा फूल दिख रहा है इस पर मिनी एक जरा का। ये अपराजिता का पौधा है, ये देखिए ग्राउंड में हमने लगाया था, ग्राउंड से पूरा ऊपर तक आ गया है ये, और खूब सारा इस पर फूल खिला हुआ है, और बहुत सारा फूल डेली खिलते रहता है, हज़ारों की संख्या में डेली फूल खिलता है और स्पेंट होता है। तो इस तरह से देखिए, बहुत सारे फूल इस पर खिले हुए हैं, ब्यूटीफुल फ्लावर। ये ओलियंडर है, देखिए इस पर भी बहुत सारी कलियाँ हैं, और बहुत सारे फूल भी इस पर खिलते रहते हैं डेली। तो ये बहुत अच्छा पौधा है कहीं भी लगाने के लिए, और इस पर हमेशा फूल खिलते रहते हैं। ये देखिए, ये रेन लिली है, बहुत सारे फूल एक साथ खिले हुए हैं। देखिए, खूब सारे फूल खिले हुए हैं इस पर, और भी है मेरे पास, वो भी खिले हुए हैं। और ये टिकोमा है, ये देखिए बहुत सारे इस पर भी फूल खिले हुए हैं। ये देखिए, खूब सारे गुच्छे में इस पर फूल एक साथ खिलते हैं। देखिए, और ये विंका सदाबहार है, देखिए छोटे से प्लास्टिक के डिब्बे में लगा हुआ है, बहुत अच्छा खिल रहा है ये। छोटा सा पौधा, इतना छोटा पौधा मैंने लगाया था, अभी बहुत बड़ा हो गया है, और इस पर फूल भी आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, इस फ्लावर को हम लोग यहाँ पे गुलाल बोलते हैं लोकल भाषा। और इसमें देखिए, बहुत सारे फ्लावर खिले हुए हैं, और एक ही पौधे में अलग अलग कलर के फ्लावर हैं। देखिए इस तरह के फ्लावर हैं इसमें, और बहुत ही ब्यूटीफुल। और इसके बाद से देखिए दोस्तों, ये भी अपराजिता है, और इसमें देखिए कितने ब्यूटीफुल फ्लावर आए हुए हैं, मल्टी पेटल वाला फ्लावर है। ये देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर है इसका। ये देखिए, और एक ये भी फूल है, तो ये मल्टी पेटल वाला है, बहुत ही खूबसूरत इसमें फ्लारिंग होता है।